सो हाई एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल ये है ओ टू आई एस अकेडमी मेरा नाम है कृतिका और यहाँ पे हम लोग हिमाचल के वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं तो आज हम लोग थर्ड वीक देखने वाले हैं मार्च का क्या क्या इसमें हुआ इन इवेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हिमाचल का एक बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो कि मार्च में ही यहाँ पर आए हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सारे सवाल यहाँ पर इनसे पूछे जाते हैं तो इनके हाईलाइट्स क्या थे उसके बारे में मैं बात करूँगी और और दिनों में क्या कुछ न्यूज़ रही हैं उनको हम लोग प्री और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो मैं ये करंट अफेयर्स वीकली कवर करती हूँ तो हफ्ते में एक वीडियो उसको आप आने वाले टाइम में मिस ना करें तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और किसी तरीके की अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर ऊपर दिए गए इन नंबर्स पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है इनके पी जो हैं वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेंगे बाद में रिविजन करना होगा आपको तो वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं कोई भी कोर्स आप देखेंगे एच एस की टेस्ट सीरीज हैं उसके फ्री रिसोर्सेज में और भी बहुत सारे जो रिसोर्सेज है, हैं विद दिस कंपाइलेशन जो है आपको मिलेंगे ये जो टेस्ट सीरीज है इसको आप अपनी देखेंगे तो अपनी तैयारी के साथ सिंक कर सकते हो क्योंकि इसमें सेक्शनल टेस्ट भी हैं एचपी के हैं करंट अफेयर्स फुल लेंथ एज वेल एज एप्टीट्यूड सो डू चेक इट आउट वंस तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हमारे बजट के बारे में तो बजट आया आपका सेवनटीन्थ ऑफ मार्च को और इसको ग्रीन बजट के नाम से पेश किया गया है ग्रीन बजट क्यों क्योंकि जो हमारी नई सरकार है हमारे नए सीएम हैं वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते हैं ठीक है थीके? तो कुछ गोल्स उसमें सेट किए गए हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने सारे व्हीकल्स को जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे करेंगे एज एग्जाम्पल सेट करने के लिए हमारे सी एम जो हैं वो भी खुद इलेक्ट्रिक व्हीकल में बजट पेश करने के लिए यहाँ पर आए ठीक है और क्या बातें की गई और इसमें बात की गई है कुछ मेजर अनाउंसमेंट की जैसे कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाया जाएगा हिमाचल का ठीक है कुछ नई फैसिलिटीज़ हैं नई स्कीम्स हैं जैसे हिमगंगा है मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना है तो इनके बारे में जो पढ़ना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चलो तो इससे पहले मैंने बजट ऑलरेडी कवर किया है जो स्टैट्स वाला पोर्शन है वो संतोख सर ने कवर किया है एज़ वेल एज़ जो स्कीम्स हैं वो मैंने की हैं तो इसको ज़रूर देखना है हिमाचल में अक्सर पूछ लिया जाता है जैसे रुपीज़ गोज टू तो सबसे ज़्यादा जो है परसेंटेज वो कहाँ पे जाती है वो यूजुअली सोशल सर्विसेज होता है या जनरल सर्विसेज जो है यहाँ पे होता है लेकिन कौन सा है हाईएस्ट कौन सा है लोएस्ट कौन सा है इसके ऊपर हिमाचल में हमेशा ही सवाल पूछे जाते हैं ठीक है थीके? और फिर जो नई स्कीम्स हैं फ्लाइंग स्क्वाड हम लोग एक बनाना चाहते हैं क्योंकि इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है हिमाचल में वैसे ये सारी की सारी जो है नई यहाँ पर अभियान और नई योजनाएं हैं जिनको आपके बारे आपको जिनके बारे में पता होना चाहिए तो ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी डू चेक इट आउट चलो आगे बढ़े हम तो हमने देखा कि एक न्यूज़ आई जिसमें लिखा गया कि हिमाचल का जो जी ग्रोथ रेट है उसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिला है वन का तो पहले जो है वो सेवन पॉइंट सिक्स था अभी जो है सिक्स पॉइंट फोर है तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं अगेन चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे पिछले साल किया था वैसे ही इसको कवर करेंगे एक एक करके स्टैट्स भी देखेंगे और ये जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं इनको भी देखेंगे क्योंकि हिमाचल अगेन पाँच से छः सवाल जो है हमें सर्वे में से देखने को मिल जाते हैं प्रिलियम्स में अगर एच की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आस्ते आस्ते करेंगे ठीक है सो so नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है बिलासपुर का मेला बिलासपुर में नलवाड़ी फेयर शुरू हो चुका है जो कि स्टेट लेवल का यहाँ पर फेस्टिवल है और इसकी हिस्ट्री बहुत पीछे जाती है इसके हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं हम लोग आनंद चंद के टाइम से जब ही वो बिलासपुर के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रूलर थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है इन्हीं की वजह से बिलासपुर जो है आपका पार्ट सी स्टेट रहा चीफ कमिश्नर प्रोविंस भी यहाँ पर बना है ना ये हिस्ट्री का सारा सारा पार्ट है तो इन्होंने माना जाता है इसको यहां पे शुरू किया था तो इन्होंने इसको कल्चर वाइज यहाँ पे शुरू किया था क्योंकि आपने देखा बहुत सारा कल्चर भी यहाँ पे होता है वेयर एज इससे पहले ये कैटल फेयर हुआ करता था जहाँ पे आप अपने जानवर लेके जाते हो बेचने खरीदने के लिए तो ये कैटल फेयर होता था जो कि 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने यहाँ पे शुरू किया था तो इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है किसने शुरू किया था डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने बहुत सारे लोग पंजाब से हरियाणा से यहाँ पर जाते हैं और बहुत ही धूमधाम से इसको यहाँ पर मनाया जाता है जितने भी दिन मनाते हैं उस दिन मेला लगा रहता है बहुत सारा एकदम गर्मियों के आने से पहले ये यहाँ पे शुरू होता है तो कल्टीवेशन से पहले और हार्वेस्टिंग से के आने से थोड़ा सा पहले यहाँ पे इसको हम लोग मनाना शुरू करते हैं चार से पाँच दिन का होता है और जो है अगेन कैटल फेयर एस वी नो ये है ठीक नेक्स्ट आ गया नूरपुर में हाईटेक ट्रैफ़िक मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है तो बेसिकली uh, नूरपुर है हॉटस्पॉट, जब हम लोग बात करते हैं कि ड्रग्स कहाँ से आते हैं बिकॉज़ बॉर्डर एरियाज है है ना तो ये इसके ऊपर ज़्यादा सर्वेलेंस यहाँ पे रखा जाता है चेकिंग ज़्यादा की जाती है इसी की वजह से वहाँ पे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम भी लगा रहे हैं ताकि जितने भी ओवर स्पीडिंग है ट्रिपल uh, राइडिंग हो गई आपकी रॉन्ग साइड ड्राइविंग है ये सारी की सारी चीज़ें इंटेलिजेंटली या फिर टेक्नोलॉजिकली इसको अभी यहाँ पर मैनेज किया जाएगा वॉयलेशन जो भी है वो जो घर ही आ जाते हैं आपके चलान वैसे वाला हिसाब कुछ यहाँ पर लगाया गया ठीक है नेक्स्ट आ गया पोंग डैम को वाटर स्पोर्ट्स हब बनाना है तो हमने पहले देख ही लिया कि कांगड़ा को हम लोग बना रहे हैं टूरिज्म कैपिटल तो वहीं पे जो है पोंग डैम भी है आपका और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स शुरू करने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ये होता भी है और अभी और टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको बेसिकली एक्सप्लोर करना चाहता है ठीक है जब ही होगा नई एक्टिविटीज़ आएंगी पैसा तो आ गया है नई एक्टिविटीज़ आएंगी तो देखेंगे बाकी पोंग डैम हम लोग जानते हैं एक और नाम से इसको जानते हैं दैट इज़ महाराणा प्रताप सागर रिजर्वोयर ये आपकी ब्यास रिवर यहाँ से आती है आपकी ब्यास रिवर और ये इस तरीके से इस पे आपका पोंग डैम बना हुआ है एंड uh, ये बना था आपका 1975 में अभी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे फ्लोरा फोना इसके आसपास बहुत ज़्यादा रिच है सेंचुरी एरिया है एज वेल एज वाइल्ड लाइफ जो आपकी माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं वो बहुत सारी यहाँ पे आती हैं हर साल हमें यहाँ पे पचास हज़ार बर्ड जो हैं माइग्रेट करते हुए दिखते हैं जिनमें से कुछ रेयर बर्ड्स हैं जो जैसे रेड नेक गी बोलते हैं हम उसको तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है ठीक है ये पूरा का पूरा जो रेजरवॉयर है 83 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन गया था 94 में इसे वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी डिक्लेयर किया गया था और फाइनली 2002 में रामसार साइट भी ये बन गया तो कमेंट करके बताइए कि हिमाचल में कितनी रामसार साइट्स हैं एज एन एग्जांपल हिंट एज ए हिंट मैं आपको देती हूँ तीन है तीन कौन कौन सी हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज है कुफरी की तो अगर आप लोग कुफरी गए हैं तो यहाँ पे तो यह तो यह बहुत सारे घोड़े हैं बीच में खच्चर भी होती है सारे सारे घोड़े नहीं होते तो ये अगर आप कहीं भी गए होंगे तो आपको वो ऐसे हॉर्स राइड पे लेके जाते हैं ऊपर जो है देवता के पास में सो तो वो सारा का सारा एरिया जो है वो पैदल जा सकते हो या फिर इन पे जा सकते हो तो ये है करीब 700 से 800 घोड़े तो यहाँ पर लोगों ने जो है कंप्लेन डाली है एनजीटी को कि इनकी वजह से पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पर ख़राब हो रहा है जिन्होंने ये रखे हैं जब जो भी ये सारा का सारा ले जाना है सुबह ख़त्म हो जाता है हिसाब किताब घुमाने का या जो भी बिज़नेस है फिर ये इनको जंगल में छोड़ देते हैं जंगल में छोड़ देते हैं तो सारी की सारी जो बायोडाइवर्सिटी है ये उसको यहाँ पे खा जाते हैं एज़ वेल एज़ जो है जितनी भी ब्यूटीफुल हमारी ट्रेल्स हैं फॉरेस्ट की वो यहाँ पे ख़राब हो जाती हैं सो so, इस तरीके से अभी जो एन है वो देखेगा कि क्या आगे करना है एकदम से बेरोजगारी तो नहीं देते लेकिन कुछ ना कुछ जो है इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस दी जाएंगी ठीक नेक्स्ट आ गया ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव बिगिन इन शिमला तो शिमला में जो आपका हमारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने ये ड्राइव यहाँ पर निकाली एक बेसिकली uh, लोगों को दिखाने के लिए कि ई e वेस्ट क्या होता है इसके बारे में अवेयरनेस uh, लाने के लिए तो ई e वेस्ट होता क्या है सबसे पहले आपकी बैटरीज हो गई पुराने फ़ोन हैं पुराने लैपटॉप्स हैं तो उनको किस तरीके से डिस्पोज किया जाए ना तो लोगों को ये पता है और ना ही इसके ऊपर ज़्यादा जो है काम किया जाता है तो उसी के लिए इस तरीके की ड्राइव्स निकाली जाती हैं ठीक है ठीके? कि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं मैनेजमेंट है अर्बन लोकल बॉडीज़ तो अभी जो नॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट है उसको ही नहीं कर पा रही हैं तो लोगों को सबसे पहले अवेयर करना है कि कैसे कैसे इसमें क्या क्या, क्या किया जाएगा इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है और गवर्नमेंट जो है उसको भी इसके ऊपर पॉलिसी लेके आनी चाहिए ठीक है जब आएगी तब बात करेंगे लेकिन न्यूज जो है ये बात करती है ई वेस्ट कलेक्शन इस ड्राइव के बारे में जो कि शिमला में यहाँ पर चलाएंगे नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग ये न्यूज थी कि ऑल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल टू गो हेली टू गेट हेलीपोर्ट्स ठीक है तो ये जो हमारा सरकार ने बजट दिया है इसमें भी बात की है कि हमारे जो दो ऑलरेडी चल रहे एयरपोर्ट्स uh, हैं एक तो आपका नाग चला है मंडी में और एक जो गग्गल है उनको एक्सपैंड करना है एज वेल एज हिमाचल में हर जगह जो है हेलीपोर्ट्स यहाँ पर बनाने हैं ठीक है ठीके? आगे हम लोग चले आगे है वाटर सेस तो बजट में वाटर सेस की बात की गई है दो चीजों की बात की गई एक था आपका काउसेस या मिल्क सेस जिसको बोला गया कि हर एक बोटल लिकर की एक शराब की बोतल के ऊपर दस जो है काउसेस लगेगा ठीक है और दूसरा है वाटर सेस जो कि हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर जनरेशन के ऊपर लगेगा और उसमें से तो बेसिकली इसमें बात हो रही है कि uh, जो अभी वाली सरकार है वो जो भी हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको भरने के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे एक स्टेप चल रही है क्योंकि ये कमाई करके देंगे जैसे जो आपका वाटर सेस है ये करीब चार हजार करोड़ की यहाँ पे कमाई करके देगा लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर मुद्दा उठाया है आपका पंजाब है हरियाणा है उन्होंने बोला कि देखो अब इनकी जो बिजली है वो तो सस्ती है वहाँ से थोड़ी ना ये पूरा का पूरा कॉस्ट बेयर होगा ये होगा पंजाब में हरियाणा में जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जाती है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी विच विल कॉस्ट पंजाब अराउंड फोर करीब फाइव करोड़ के पास में तो इसके ऊपर जो है अभी आगे देखते हैं क्या होता है क्योंकि हमारे जो सीएम है उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड भी ये लगाता है इसके ऊपर इतना ज्यादा इशू होना नहीं चाहिए लेकिन अगेन हम देख रहे हैं कि नेबरिंग स्टेट्स जो हैं वो यहां पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं या फिर इसके ऊपर जो है विवाद हो रहा है तो इसमें आगे देखेंगे कि और क्या होगा नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज है हमारी डिस्पाइट बींग हिल्स बींग रेज अलॉन्ग कांगड़ा हाईवेज तो ये है कि हम लोग रोड्स को या हिल्स को लेवल करते रहते हैं हिमाचल में या यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर कांगड़ा की बात करते हैं तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती क्योंकि ये जोन फाइव एरिया है और सिस्मिक एक्टिविटीज़ हमने धर्मशाला में देखा कि किस तरीके से रोड्स आपके सिंक कर रहे हैं तो नियो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो टिकटॉनिक एक्टिविटी है नीचे वो कुछ ना कुछ चल रही है जब हमें वो पता नहीं है कि क्या चल रही है तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन ला सकती हैं लैंड हो सकते हैं या अगेन जो आपकी वहाँ का इन्वायरमेंट है उसको ख़राब कर सकते हैं ठीक है सो इसी के ऊपर ये न्यूज़ है हमने बहुत बार लैंड स्लाइड्स पढ़े हैं कि कैसे होते हैं कैसे क्या क्या होता है तो वो तो आपको ऑलरेडी रिवाइज़ है अदरवाइज पुरानी वाली वीडियो जो उनमें देख लेना है कि हिमाचल में टोटल जो है थर्टी थ्री काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर हो सकते हैं ट्वेंटी सिक्स के हिमाचल यहाँ पे प्रोन है लैंड स्लाइड क्लाउड बर्स्ट देन आपका अर्थ करके जो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट है ठीक है डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने इसको पढ़ा था तो जैसे गग्गल एयरपोर्ट का एक्सपेंशन हो रहा है उस उसके लिए लेवलिंग की जा रही है सो so ये सारे के सारे वहाँ पे चल रहे हिल्स को एक बड़ा थ्रेट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं जो हमारे सी एम हैं उन्होंने अभी ये भी कहा कि बहुत साल पहले एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में कहा गया था कि धर्मशाला में बहुत ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होनी चाहिए तो सीएम ने अभी उनको बोला कि इस रिपोर्ट के अंदर जो है देखो और इसमें जो जो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए रहेगा वो करेंगे ये रिसेंट न्यूज में भी इसलिए क्योंकि जोशीमठ में हमने अभी अभी देखा कि क्या हुआ जोशीमठ में क्या हुआ वहां पे जो है बिल्डिंग्स जो है उनमें बड़े क्रैक्स आ गए नीचे पानी इकट्ठा हो गया था तो क्रैक जब जैसे जमीन बैठनी शुरू हुई तो क्रैक्स आ गए रोड जो है वो सिंक कर गए और पूरे जोशीमठ को खाली करना पड़ा लोगों की सेफ्टी के लिए तो वैसे ही हालात हिमाचल में नहीं आने चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए स्टेप्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं नेक्स्ट आगे हम लोग चले जी आ, ये बात कर रहे हैं कि हिमाचल में अभी एग्जॉटिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोमोट किया जा रहा है ये जब भी मैं एग्रीकल्चर पढ़ाती हूँ तो उसमें भी पढ़ाती हूँ कि हम लोग नई नई चीज़ें लगाते रहते हैं हिमाचल बहुत ज़्यादा एडवांस है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में क्योंकि जैसे कलम लगाना आप सुनते हो कि या ग्राफ्टिंग सुनते हो तो ग्राफ्टिंग जो हिमाचल में बहुत पहले होनी शुरू हो गई थी और स्टेट्स में जो है वो थोड़ा लेट यहाँ पे आई है फिर आपका जो पालमपुर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे काम करते रहते हैं तो नई नई चीज़ें उगाते हैं जैसे आपका ड्रैगन फ्रूट ब्लूबेरी एवोकाडो महंगे ऑर्नामेंटल चीज़ें हैं महंगी चीज़ें हैं तो वो यहाँ पर उगाने की बात की जा रही है ठीक है हम लोग कहीं ना कहीं ड्रैगन फ्रूट तो ऊना में इतना उगाया भी जाता है एक जो फार्मर है उनकी स्टोरी भी कवर की गई थी कि कैसे उनकी दुनिया पलट गई जब उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की ये फार्मिंग शुरू की बहुत ज़्यादा लाइक like प्रॉफिट्स उन्होंने यहाँ पे इससे कमाए तो इस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं नई चीज़ें जो हैं वो हॉर्टिकल्चर में इंक्लूड की जा रही हैं तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने बात की है अपने बजट में कि नई हॉर्टिकल्चर पॉलिसी भी लेकर आएंगे क्योंकि अब एग्रीकल्चर का सब सेक्टर नहीं रहा है हॉर्टिकल्चर हिमाचल में इंडिपेंडेंट हो चुका है बहुत अच्छा खासा यहाँ पे जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन रहता है तो इसके लिए इसके अलग से पॉलिसी आएगी तो जो आपके एरियाज हैं बिलासपुर हमीरपुर कांगड़ा मंडी सिरमौर सोलनोना यहाँ पे एच पी शिवा प्रोजेक्ट है जैसे ऊपर जो है एप्पल बेल्ट है आपकी एप्पल बेल्ट में हम लोग देखते हैं कि आपका फोर्टी नाइन परसेंट एरिया आता है और एट्टी वन परसेंट जो है जितना फ्रूट उगाया जाता है उसमें से एप्पल है तो वैसे ही हम चाहते हैं कि नीचे जो आपके शिवालिक्स हैं वहां पर हम लोग सिट्रस फ्रूट्स लगाएं तो वहां पर भी बगीचे हों तो उसके लिए एचपी शिवा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है जिसमें आपका मैंगो और ऑरेंज देन पोमग्रीनिट लीची प्लम ये सारी की सारी चीज़ें उगाएंगे ठीक है देन अभी जो हमारा बजट है उसमें भी हमने देखा कि बहुत सारे एफ हो गए कोल्ड स्टोर है वो भी अलॉट किए गए हैं कंट्रोल एटमोसफेयर है पैकिंग हाउसेज हो गए फ्रूट ग्रेडिंग कैसे करनी है कि अगर हम लोग इतनी जो टारगेट है उसको अचीव करेंगे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उसको स्टोर करने के लिए भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए राइट सो so, इसमें जो है ये सारी बातें की गई हैं सो दैट इज़ इट फॉर टुडे आई होप आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग में कि हिमाचल का जो इकोनमी है वो कैसे चलती है और आने वाले टाइम में और इस तरीके की चीज़ें पढ़ेंगे सो थैंक यू एंड फॉलो